सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, कानपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के कानपुर मेट्रोपॉलिटन एरिया कानपुर डिवीजन बुंदेलखंड को सर्व करने वाला एक महत्वपूर्ण कॉमर्शियल एयरपोर्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर एयरपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करूंगा, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कानपुर के चकेरी में अवस्थित कानपुर एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये एक सिविल इनक्लेव टाइप एयरपोर्ट है जिसका एयरपोर्ट कोड KNU है। उपलब्ध सीमित विस्तार विकल्पों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लागू प्रतिबंधों के कारण वर्तमान टर्मिनल कानपुर में आने वाली बड़ी हवाई यातायात मांगों का सामना करने में सक्षम नहीं है, जिस वजह से यहां पर 6000 वर्ग मीटर का एक अतिरिक्त टर्मिनल निर्माणाधीन है जो कि कानपुर प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है। इस नए टर्मिनल में 6 हैंगर और 300 यात्रियों के लिए एक प्रतीक्षालय और राजमार्ग से 4 लेन की कनेक्टिविटी शामिल होगी। दोस्तों, ये एक 4 सितारा गृह ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम इंडिया रेटेड ऊर्जा कुशल भवन होगा जो 8 चेक इन काउंटरों से सुसज्जित होगा। फिलहाल बात अगर रनवे की करें तो मैं आपको बता दूं कि कानपुर एयरपोर्ट में 2 एस्फाल्ट सरफेस रनवे है जिनकी लंबाई क्रमशः 3700 मीटर और 1251 मीटर की है। बात अगर पैसेंजर्स ट्रैफिक की करें तो मैं आपको बता दूं कि कानपुर एयरपोर्ट से वित्तीय वर्ष 2018-19 के मध्य में लगभग 116,168 यात्रियों ने आवाजाही की थी। वहीं फ्लाइट्स के बारे में आपको बता दूं कि कानपुर एयरपोर्ट से लगभग 1,050 फ्लाइट्स ने आवाजाही की थी। दोस्तों, कानपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की विमान बेंगलुरु और मुंबई के लिए और स्पाइस जेट की विमान दिल्ली और मुंबई के लिए उपलब्ध है। कुछ समय बाद वाराणसी, जयपुर, पुणे, चंडीगढ़, अमृतसर, गोवा, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए उड़ानें कानपुर से यातायात को पूरा करेंगी। दोस्तों, कानपुर एयरपोर्ट के आसपास कई सारे शानदार होटल्स मौजूद हैं जिनमें मुख्य रूप से हेवन व्यूज क्लार्क इन 2.7 किलोमीटर, ट्रिबो ट्रेंड वेडिंग बेल्स 3.7 किलोमीटर, होटल कनिष्क 1.9 किलोमीटर, फैव होटल में फेयर इन 7.4 किलोमीटर, होटल गैलेक्सी 7.9 किलोमीटर, बेलेव्यू होटल 7.5 किलोमीटर आदि मुख्य रूप से शामिल हैं, जहां पर रुककर आप शहर के मनोरम नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों, ये होटल्स काफ़ी चीप प्राइस में अच्छी सुविधा देते हैं। दोस्तों, अगर आप कानपुर एयरपोर्ट के आसपास रुके हैं और आपके पास है फ्री टाइम तो आप कानपुर के एलन फॉरेस्ट जू, जेके मंदिर, मोती झील, जेड स्क्वायर मॉल, बिठूर, जापानी गार्डन, गंगा बराज, कमला रिट्रीट, नाना राव पार्क, फूलबाग, कानपुर म्यूजियम, जैन ग्लास मंदिर, इस्कॉन मंदिर, ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क, मसैक्रे घाट, ग्रीन पार्क स्टेडियम और सदर बाजार कानपुर में घूमने के लिए जा सकते हैं और अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, कानपुर एयरपोर्ट से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 9.5 किलोमीटर की है। कानपुर एयरपोर्ट से शहर के महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने के लिए रेंटल कार, कैब और ऑटो रिक्शा बड़े ही आसानी से मिल जाया करते हैं। दोस्तों, बात अगर सुविधाओं की करें तो मैं आपको बता दूं कि कानपुर एयरपोर्ट में डिपार्चर और SHA में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट,
पास सेक्शन में मेडिकल एड की सुविधा, डिपार्चर और अराइवल के पास ट्रॉली की सुविधा, डिपार्चर एंट्री गेट और अराइवल एप्रन के पास व्हील चेयर की सुविधा, डिपार्चर के पास टॉयलेट की सुविधा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए सहायता केंद्र, टर्मिनल बिल्डिंग में पानी पीने की सुविधा, चेक इन काउंटर आदि सम्मिलित हैं। कानपुर एयरपोर्ट की इतनी सारी सुविधा के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो दोस्तों, कानपुर एयरपोर्ट की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अगली वीडियो आप किस जगह या किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पर मेरी डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं इस सीजन में कपड़ों का बिजनेस तो दिव्या टेक्सटाइल्स रांची से बिल्कुल फैक्ट्री रेट पर कपड़े मंगवा कर आप घर बैठे अपने खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर हमसे संपर्क करके ऑनलाइन घर बैठे माल मंगवाना है, क्योंकि दोस्तों कपड़ों का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें किसी भी तरह की एक्सपायरी डेट का इशू नहीं होता है। अगर आप राशन की दुकान खोलते हैं या आप चिकित्सालय खोलते हैं, मेडिकल की दुकान खोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दवाइयों का एक्सपायरी डेट होता है, या राशन में भी बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो कि पेरिसेबल होते हैं और उसमें भी एक्सपायरी डेट का इशू होता है प्रोडक्ट्स पर। लेकिन कपड़ों का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो अगर आप इस वर्ष सेल नहीं कर पाए तो नेक्स्ट ईयर सेल कर देंगे, सीजनली सेल कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक सेल करके बेजोड़ मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, फटाफट नंबर लगाइए और स्टार्ट कीजिए अपने घर से ही एक शानदार बिजनेस। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता से हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।